रिक्शा, दो तीन वीडियो से मैंने बोलना बंद कर दिया कि सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइबर का काउंट अटक गया है उधर। 269 बैठक है, नहीं 469 बैठक ही गया था साला। डेढ़ महीने में मेरे जितने सब्सक्राइबर बढ़े उससे 1% भी सब्सक्राइबर पिछले 3 दिनों में नहीं बढ़ा यार। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 83% लोग जो वीडियो देखते हैं वो साला सब्सक्राइब ही नहीं किया है भाई। वो लाल वाला बटन दबा दो, उसके बाजू में जो घंटा है वो भी दबा दो यार। और हाँ जी भैया, मैं आज जा रहा हूँ सुबह मैं डीमार्ट मॉल के शॉपिंग करने के लिए। वो थंबनेल और टाइटल जो यही होगा मेरा, आखिर तक तो देखा ही होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक नई गाड़ी ली है और ऐसी ही दिखती है वो गाड़ी, भले ही उसका कलर लाल लाल सनेट है पर गाड़ी तो ऐसी ही दिखती। आज भी मैंने ये गाड़ी चलाई थी मेरी वाली, सुबह कितने 6 बजे मैं गाड़ी चलाने गया है। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा सीखते वक्त, मैं नहीं बना पाया। पर अगर मेरे को सोलो ड्राइविंग का मौका मिला कभी, अगर सोलो का, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा कि बेहद रिएक्शन क्या रहता है गाड़ी ड्राइविंग करते समय। भाई अभी तक मेरे को वो उतना मैनुअल में मज़ा नहीं आया, ऑटो में जो मेरे पास मज़ा था ना, जो यार क्या फ्री हैंड होते थे, कुछ करना नहीं पड़ता था। अगर आप पढ़ूंगा जब अकेले ड्राइविंग करने जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ, कैसे। मैंने कल तो ड्रिफ्ट की थी गाड़ी में, ड्रिफ्ट टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी देखी है ना आपने। गाड़ी चलाने में मज़ा तो बहुत आता है मैनुअल में, बार बार ऐसे वो फर्स्ट टाइम फ्यूरियस वाला वो वाला सीन लगता है, फर्स्ट टाइम फ्यूरियस वाला। गियर बदलना, ऐसे क्लच को दबाना, क्लच को छोड़ना, रेस देना, गाड़ी का भूम 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 होता है, बढ़िया लगता है। ऑटो से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब मारो यार, ये शोरूम भी बंद हो गया, देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए फोर्ड का साला, फोर्ड इतनी बढ़िया कंपनी उसका भी शोरूम आप लोगों ने बंद करवा दिया है। सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, लाल वाला बटन दबा दो और घंटा भी दबा ही देना, क्योंकि ऐसे रोज वीडियो आते रहेंगे हमारी चैनल पर, समझ गए यार। इतनी बड़ी लाइन तक હજી તો મોલ ચાલુ થયો હતા એટલી બધી લાઈન એસે કે ભાઈ લોકો સબ લોકો કો પતા હી હે અપના ઇધર કા ડી માર્ટ મોલ આજ અપન ઇધર આયે હે ખરીદી કરને કે લિયે ચલો હેલમેટ કા રોકતે હે ડિક્કી મે ઓર જાતા હે અંદર ભાઈ યે મેરે હી વિડિયો દોનો અવેલેબલ હી હે ડી માર્ટ કી ઇનસાઇડ કી વો દેખ સકતે હે આપ ચલો હરીશો મસ્ત લાગે જો મારે ખ્યાલ છે, ફોટો પાડો છે, શું કેવું તમારે જો, હજી આ બધું ખાલી જ છે, હજી કોઈ આવ્યું નથી જો, મોટા મોટા પીસી લાગેલા અને આવડો મોટો ડીમાર્ટ મોલ ભાઈ। મેં પાર્કિંગમાં લગાડી દીધું હમે સ્કૂટર અને હવે હું રાહ જોઉં ડીમાર્ટ મોલ ખુલવાની, હજી તો ગળદી છે બહાર સમજ્યા। આ ટુ વ્હીલર પાર્કિંગમાં બાઇક કેવું દોરવાનું, તો જો સાયકલ જેવું, આ કાઢનો કોઈ સાયકલ જ લાગે ચાલો બરોબર, બાય બાય જો ભાઈ। એટલી ખરીદી ટોટલ કરી ખાલી આ બે વસ્તુ ને કા બિલ મેં તું 25-27 રૂપિયા ઉપર બન્યું, એ તો ડેકીમાં અને આ છે મોટું જબરું તો 27 રૂપિયા બિલ બન્યું, વિચારો નહીં કઈ 3 વસ્તુ લીધી મેં ગણી નહીં, બે નાની, આ બહુ મોંઘું પડ્યું, સફોલાનું 1849 રૂપિયા છે, આને આ ટ્રોલીને લઈ જવાની, મારે ક્યાં મૂકો જવાની ખબર નહીં પણ લઈ જવાની છે, હેલ્પે ટ્રોલી હેર વેરા ક્યાં મૂકવાની હે ને। હવેરમાં મજા આવી ગયો પણ ભાઈ હવે હિન્દીમાં ઓલો કા આવલો હિન્દીમાં સોરી મજા આ ગયેલા હે ભાઈ, આજ સુબે તો
लहको तो थोड़ा घड़ी गुजराती रही है जनो मन मिलो नहीं हिंदी हिंदी सॉरी हिंदी उधर एक आदमी मेरे को मिला वो बोलता वो लड़का था छोटा था मेरे जैसा ही 21-22 साल का तो वो बोला कि ये भाई ने डीमार्ट का वीडियो डाला था मेक दू ये इसने अभी मेक दू ये मेरे को पकड़वाया अभी ये वो उधर जाकर मैनेजर को बोल देगा कि इसने वीडियो बनाया था तो ये मेरे को अभी आज ही जेल हो जाएगी इन हाथों में हथकड़ी आ जाएगी बोला था कुछ नहीं हुआ वो अपना दोस्त निकला भाई अगर तू मेरा ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ भाई प्लीज़ किसी को बताना मत यार ये इधर दिख रहे हैं आपको राइट साइड में बागी 3 का पोस्टर लगा हुआ है बागी 3 का ये बागी 3 इधर लास्ट वाला ही लगा था इसके बाद इसमें कोई भी मूवी नहीं लगा ये लास्ट ही लगा इधर अभी इसमें कोई लगेगा भी नहीं शायद ये इसको तो बंद कर देना चाहिए साले कितने प्राइस रखते हैं 300-400 रुपए साले हम ऐसे हम गरीब है भाई हम गरीब है हाँ सैनिटाइज करना बहुत जरूरी था डीमार्ट में क्या था सभी लोग सारी चीज़ों को छुए हुआ था ना सब लोग देख रहे हैं मेरे को मैं ऐसा क्यों अजीब लग रहा हूँ ये देखो तो आप मैं अजीब लग रहा हूँ दिख रहा है कैमरे में हाँ रिश्ते सही ऐसा अजीब तो नहीं लग रहा है कुछ ठीक ही तो लग रहा हूँ यह हेलमेट पहना हुआ ना वो हाँ यार मैं सोचूँ हेलमेट पहना हुआ है ऊपर ने हेलमेट के साथ भी आपने आ गए कैमरा वो मोबाइल लगाया हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वो पूरी दुनिया आपको पागल से मती है वीडियो जाएगा यूट्यूब पे सुन लो सारे गांव वालों ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे राजवीर बोरीचा चैनल सब्सक्राइब कर देना चलो कोई भी बाकी नहीं देना चाहिए कल निकलूंगा मैं सबका सब्सक्राइब होना चाहिए कही दीदो बताने पब्लिकली जब अनाउंसमेंट थे मारू हाला तो हूँ रही कटाऊ खबर गाम में सब्सक्राइब करो राजवीर बोरीचा चैनल गाम में एक रिक्शा निकले भाई आप सब्सक्राइब कर दीजिए राजवीर बोरीचा चैनल ने भाई सब्सक्राइब कर दीजो एवं एक रिक्शा कटाऊ आखा गाम में तो हूँ अपने 1000 सब्सक्राइबर थी जाए फटाफट ये सिर्फ मैं ही सोचता हूँ कि आप भी ऐसा सोचते कि ये खटा ये ट्रक में जो पाइप पड़े हैं पीछे वो पाइप अगर ऐसे लुढ़क लुढ़क के आपके सर पे आ जाएगा तो वो आपका क्या था वो फीचर था कुछ वो तो मेरे को याद नहीं है पर ऐसा ऐसे आपके छाती में से निकलेगी एक सर में से निकलेगी ऐसा आपने कभी सोचा है कभी ऐसा आपके दिमाग में आता है कि ऐसा हो सकता है और आप ऐसे साइड में चले गए डर के मारे सोचा हो तो कमेंट करना भाई आप मेरे जैसे ही हो ये तो ऐसा पाइप लेके जाता है पीछे पार्टियाँ लगे ना ट्रक वाले सुन नहीं रहा है मैं आगे लेता हूँ भाई इधर मत दबा डर लगता है भाई पार्टियाँ लगा भाई पीछे पार्टियाँ कह दिया है वो उसने सुना होगा तो वो शायद लगा देगा उसका ध्यान नहीं था वो चल अपनी धुन में था अरे रिक्शा हमने गाली दर्द हमने खप खप करते आई उभी रही जात रिक्शा तारी खाली सो सुचा सो ये वीडियो हिंदी में था यार ये इसमें क्या है कि अगर आपका दिमाग अगर गर्म होना तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही भाषा निकलती है वो आपकी मातृभाषा क्योंकि वो इंग्लिश में जो छोटी छोटी गालियाँ हो ना वो अपन को पसंद ही नहीं है अपन बड़ी वाली ही देते हैं और वो सिर्फ गुजराती में आती है अगर हिंदी में आप किसी को कोई गाली दो अगर आप इंग्लिश में किसी को कोई गाली दो तो क्या है उसमें फीलिंग जो आती है ना वो गुजराती जैसी किसी में नहीं आती वो क्या अंदर से ऊंडाण से आती है ऊंडाण मतलब मन जे ऊंडाण मन जे इनसाइड ऑफ योर हार्ट एंड बॉडी एंड एवरीथिंग इनसाइड गाली पे निबंध दे रहा हूँ मैं ओ भाई गाली दे तू गाली दे मारे हमने ठोकाई जाऊँ जो रिक्शा का दर्द नहीं आज मोबाइल का कवर लेने के लिए जो मेरा मोबाइल है अभी जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो देख लो ये इधर दिख दिख चलो दिख ही नहीं रहा दिख रहा है इधर जिससे में दिख रहा है मेरा मोबाइल अब दिखेगा हाँ इसके लिए कवर लेने जा रहा हूँ साला स्कूटी पेप लेके सुपर बाइक वाली आवाज़ निकल रहा है देखना अभी पीछे से कितना काला धुआं छोड़ेगा देखो पर ओ भाई क्या क्या ही धुआं निकल रहा है बहुत भाई इसका पीयूसी है कि नहीं भाई ओ भाई रुक योद्धा ओ ये तो योद्धा खटारा है योद्धा खटारा में ट्रक ये साले लोग एक हाथ बाहर काट के गाड़ी कैसे चला सकते हैं एक हाथ बाहर निकल के मेरा तो ये होता ही नहीं है दोनों हाथ काम में ही रह जाते हैं मैन्युअल में तो ओ भाई क्या टीवी लिया ओ भाई साहब ये गजब का मामला है MI TV 4K अल्ट्रा HD गलत भाई गलत टीवी लिया कितना बड़ा टीवी स्प्लेंडर उसके सामने बच्चा दिख रहा है छोटा सा बच्चा एंड्रॉइड 4K टीवी है ना
हेलमेट रखा हो गया है। क्या वो कि अपन गए थे 100 रुपए लेके और चौड़ में ऐसा पैकेट भी नहीं लेके गए, और सोचा कि 100 रुपए में तो सबसे बढ़िया वाला ही आ जाएगा ना मोबाइल कवर। फिर अपन ने उधर जाकर देखा तो 150 रुपए वाला कवर अपन को पसंद आया। फिर तो अपन को लगा कि लेना है तो 150 वाला ही लेना, पर अपने पास पैसे नहीं थे। और पैसे क्यों नहीं थे? मैं गरीब हूँ इसीलिए, समझ गया आप। तो इसीलिए अपन घर वापस आए, घर पे वापस, और फिर जा रहे हैं कवर लेने के लिए, मोबाइल कवर। सबसे बड़ी दिक्कत जो आज मेरे साथ हो रही है अभी, वो है मेरे मोबाइल का टेम्परेचर, क्योंकि ये धूप वाला मौसम अभी है, दोपहर का धूप निकली, बहुत ही ज़्यादा तेज धूप है, तो मेरा मोबाइल हो जा रहा है बार बार हीट। और आईफोन जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा, अगर ये मोबाइल हीट हो चुका तो ये बंद हो जाएगा, ये दिखाएगा कि आईफोन नीड टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़ इट, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, और आप उससे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर सकते हो। तो साला ये मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाएगा ना कुत्ते के बच्चे, आईफोन अभी कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। तो ऐसा ही मेरे पास हाँ पिछली बार हुआ, मैं जब वापस आ रहा था ना तो फिर साला हीट हो गया तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो चुका। मेरे को सिर्फ कवर लेने जाने का है, पर मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करके निकल रहा हूँ, इसका कारण यही है कि मेरे को है ना कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए जो मेरे को कंटेंट लगे। नहीं मेरे पास साथ तो ऐसे भरपूर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, पर कुछ ऐसी चीज़ मेरे को जो दिख जाए वो मेरे को कंटेंट लगे, तो मैं एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। इसलिए तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब, बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना यार, मिलते रहेंगे ऐसे ही अपन, दबा दीजिए बटन। क्या रैमिंग बैठी है भाई, क्या रैमिंग बैठी है। मिलते रहेंगे ऐसे ही अपन, दबा दीजिए बेल बटन, वाह क्या रैमिंग बनाई, शाबाश। फाइनली भैया अपन ने ले लिया है नया कवर, अभी आपको शायद इसमें दिख रहा होगा या नहीं, पर एक काम करता हूँ मैं घर पर जाके दिखा देता हूँ आपको मेरा नया मोबाइल का कवर। तो बस भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोला यार, कितनी बार बोलूँ यार मैं चैनल को सब्सक्राइब, हम बहुत ही करीब है 500 सब्सक्राइब करके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाते रहना, नहीं दबा दीजिएगा, दबाते रहना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, बाय। ओ भाई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी को मेरे से बात करनी है, वैसे तो आपको किसी को करनी नहीं होगी क्योंकि आप सब मेरे पहचान वाले ही हो, और किसी को बात करनी है जो मेरे को जानता नहीं है, फिर भी मेरे से बात करनी है, तो भाई मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, और यह है मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, या मैं आपको बता ही देता हूँ, राजवीर पुरी का नाम से है इंस्टाग्राम आईडी मेरा,